हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट पे के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बता रखा था कि आप अपने पोस्ट पे को जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वहां से अपने कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है अप्लाई किए सिर्फ जो है 3 से 4 या 5 महीने हुए होंगे, जो कि हमें वहाँ पर उस समय लिमिट सिर्फ 5,000 रुपये मिली थी और अभी हमारी लिमिट इंक्रीज होकर के 9,000 रुपये हो चुकी है। यह लिमिट हमारी कैसे इंक्रीज हुई है, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पुरानी लिमिट है, जैसे कि पुरानी लिमिट हमारी यहाँ पर 5,000 रुपये है। और जस्ट आप हमारे इसमें ऐप में देख सकते हैं कि हमारी जो है टोटल लिमिट यहाँ पर 9,000 रुपये है, जिसमें से हमारी अवेलेबल लिमिट जो है 5,602 रुपये शो कर रही है और यहाँ पर हमारी यूज लिमिट 3,398 रुपये है। यह कार्ड लिमिट को हमने कैसे इंक्रीज किया, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आप अपने पोस्ट पे के द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल को पे कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर पोस्ट पे के द्वारा क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कार्ड है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल हम यहां से पे करते हैं। पोस्ट पे के द्वारा हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अगर पे करते हैं तो पहले हमें 1% का कैशबैक मिलता था, लेकिन हाल ही में इसे चेंज करके 0.5% कर दिया गया है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तब आपको 0.5% का कैशबैक मिल जाएगा। जैसा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो आपकी जो है क्रेडिट लिमिट जल्द ही इंक्रीज कर दी जाएगी, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी जो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल देख सकते हैं, यहां पर हमने सिर्फ 3 बार ही पे किया और हमारी लिमिट इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी लिमिट 9,000 रुपये हो गई है। तो अब मैंने आपको यहां पर लाइव प्रूफ करके दिखाया है कि हमारी लिमिट कैसे इंक्रीज हुई है। तो इसी तरह से आप भी अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तब आप यहाँ से उस कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सिक्योर कार्ड है या फिर अनसिक्योर कार्ड है, आप दोनों कार्डों का पेमेंट यहां से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट पे कार्ड के बारे में कि आप जो है अगर आपके पास कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन भी आ जाता है और आप कार्ड को अप्लाई भी कर देते हैं तब आपका कार्ड फिर भी डिलीवर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं डिलीवर किया जाएगा, जैसे कि आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं चेक कार्ड स्टेटस में हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने देख सकते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ 23 दिसंबर 2021 को हमने कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन हमारा कार्ड अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ। लेकिन वह कार्ड हमें डिस्पैच क्यों नहीं हुआ, हमने पोस्ट पे को एक ईमेल किया कि हमारा कार्ड अभी तक डिस्पैच क्यों नहीं किया गया। तो आप यह ईमेल देख सकते हैं, इस ईमेल में बताया गया है कि अगर हमारी लिमिट 10,000 रुपये या उससे अधिक हमारी लिमिट हो जाती है तब हमें जो है कार्ड प्रोवाइड किया जाता है फिजिकली, वरना आपको सिर्फ जो है डिजिटली कार्ड ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस ईमेल को देख सकते हैं जो कि हमारे पास ईमेल के द्वारा पोस्ट पे द्वारा भेजा गया था। तो आपको यह भी जानकर एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी कि आपको पोस्ट पे का कार्ड कब मिल सकता है कब नहीं। तो आप भी यह जान गए होंगे कि अगर आपके लिमिट 10,000 रुपये से अधिक होती है तब आपको वह लिमिट मिल जाने के बाद तब आपको कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो के द्वारा कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।